कसरावत में निकाय चुनाव में अंतिम चरण में राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्टार प्रचारक और बड़े नेता भी अब मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 5 में रचना पप्पू सोनी के प्रचार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने वार्ड में सघन जनसंपर्क किया। अरुण यादव ने वार्ड नंबर 5 को कांग्रेसी वार्ड बताते हुए कहा कि इस वार्ड को बसाने का श्रेय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और मेरे पिता स्वर्गीय सुभाष यादव को जाता है। सुभाष यादव कार्यकाल में इस क्षेत्र में रहवासियों को पट्टे वितरित किए गए थे। वहीं सचिन यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, सरकार ने जनादेश का अपमान करने का कार्य किया है। सचिन यादव ने वार्ड के लोगों से आह्वान किया है कि वह रचना पप्पू सोनी को भारी बहुमत जिताकर नगर परिषद कसरावत में कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग दे, जिससे नगर में एक साफ और स्वच्छ छवि की सरकार बन सके, क्षेत्र का विकास हो सके। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सदैव से ही कांग्रेस पार्टी का वार्ड रहा है और इस बार भाई पप्पू सोनी जी को आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ड के साथी सदैव ही जिस तरह कांग्रेस की मदद करते रहे हैं, इस बार भी कांग्रेस को पूर्ण मदद करेंगे। भाई पप्पू को आप यहां से जिताइए, परिषद कांग्रेस की बनाइए और जो यहाँ की समस्या है, तारीख को हमारे कसरावत नगर की सरकार के लिए चुनाव होने पिछले 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इस सरकार का कामकाज करने का तरीका पूरी नगर की जनता ने देखा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके नुमाइंदों ने जो जनादेश, जो जनमत इस नगर की जनता ने उनको दिया था, उसका घोर अपमान करने का काम इन आठ बरसों में आदरणीय साथियों ने किया। ये जो नई बसावट आप देख रहे हैं, ये जो पूरी पेट्रोल पंप के पीछे की जो बेड़ी है, हंसौली के ऊपर की जो बेड़ी है, जो जनपद के पीछे की बेड़ी है, ये तमाम इलाके कांग्रेस के जमाने में, स्वर्गीय पिताजी के जमाने में स्थापित किए गए थे और आज जिस प्लाट पे आप काबिज हैं, उसकी प्लाट किस घर की कीमत 10 से 15 लाख रुपए आज हो गई है, जो समय में मुफ्त में अतिक्रमण करके हमारे लोगों को हमने बसाया था, सबको पट्टे दिए थे, आज वो पट्टे की कीमत 20 लाख। ये कांग्रेस की देन साथ है। जिन लोगों को मकान नहीं मिले हैं, जिन इलाकों में खरंजे नहीं हुए हैं, जहाँ पेयजल की समस्या है, जहाँ पट्टों की समस्या, राशन कार्ड की समस्या है, ये तमाम चीज़ों को हम परिषद बनने के बाद पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 13 तारीख को आप पंजे की बटन दबाएं 2 नंबर पर और रचना पप्पू सोनी को विजय बनाएं और परिषद भी कांग्रेस में बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।